हेलो माय टू फैमिली, कैसे आप लोग? आई होप कि अच्छा होंगे आप लोग। मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं बना रहा, 2 दिन से, क्योंकि मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा काम में भी बिजी हो गया हूँ। मेरा भी भैया आया था उधर से मुंबई से, तो उसके लिए मैं बिजी हो गया था, इसके लिए ब्लॉग नहीं बना पाया फ्रेंड, उसके लिए सॉरी। अब की बार आज से डेली ब्लॉग आएगा आप लोग के बीच में देखने के लिए, ठीक है? तो मैंने आज बहुत अच्छा काम कर लिया अपना। देखिए, मैं 2 दिन से जो मैं मतलब बोल रहा था कि ये किचन किचन पूरा अपना क्लीन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो फाइनली आज जो हम लोगों ने कर दिया दोनों मिलकर। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि अपना स्टाफ रूम कैसे हो गया, अपना किचन कैसे हो गया, और जो पट्टा लगा हुआ तो पट्टा हम लोग किधर किए, उसके बाद जो सोफ़ा अंदर में था वो सोफ़ा हम लोग किधर किए, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। चलिए लोग, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए, एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए आप लोग को दिखाता हूँ मैं कि हम लोग ने आज कैसा क्या काम किया, और इतना अच्छा साफ किया हम लोग आज, क्या बताएं। मिलजुल के, भले मैं सीनियर यहाँ का हूँ, लेकिन फिर भी मिलजुल कर काम करता हूँ मैं, ठीक है? वो अच्छा रहता है, बंदे को भी अच्छा रहता है कि भैया इसने भी मिलजुल कर काम किया। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, चलिए। तो गाइस, ये देखिए अपना किचन का लुक कुछ इस तरह है। अभी इसको उसने धो दिया अच्छी तरह से, अपना सामान वामान नीचे पड़ गया है, जो इधर जो पट्टा लगा हुआ था वो पट्टा हमने उधर रख दिए हैं बाहर में। देखिए ये जो यहाँ काला पड़ा हुआ था, इसको भी अच्छा से रगड़ कर साफ करके, अच्छा से एकदम पूरा क्लीन करके, नल भी बहुत गंदा था, हमने साफ करके अच्छा से एकदम टकाटक कर दिए। देखिए फ्रेंड, अभी जो विंडो जो अपना पूरा कांच जो पूरा मतलब गंदा था, इसको भी हम लोगों ने अच्छा से टकाटक कर दिया, ताकि एक होता ना कि दीपावली आने के बाद धनतेरस में मतलब दीपावली से पहले साफ करता है, तो हम लोग भी वही सोच के हम लोग कर दिया आज। देखिए पूरा टकाटक हो गया, अभी पूरा इतना है। ये देखिए, ये वॉलड्रॉप भी हम लोग अभी साइड किए थे, ये गोदरेज को, तो इसका अंदर भी बहुत कचरा मिला मेरे को, तो ये भी साफ कर दिए हम लोग। चलिए आप लोग को दिखाते, जो पट्टा यहाँ पर लगा हुआ था किचन टाइप, तो हम लोग किधर कर दिए, आइए आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइस, ये है अपना बंगलो का सोफ़ा, जो हम लोग बाहर रख दिए हैं बैठने उठने के लिए, और देखिए क्या हालत हो गया सोफ़े का। इसका मरम्मत करवाना पड़ेगा कारपेंटर को बुला कर, ताकि इसको अच्छा कर दे। देखिए एक सोफ़ा उधर पड़ा है, और ये है अपना पट्टा जो किचन में लगा हुआ था। देखिए इसको अभी हम लोग टेरिस पे लेकर जाएंगे, कहीं कोने में उधर छोड़ देंगे, मतलब जहाँ पर बारिश ना हो रहा हो। और देखिए फ्रेंड, कितना बारिश हो रहा है अभी, कल से इतना बारिश हो रहा है ना, क्या बताएं, मतलब बाहर निकलने का मुश्किल हो गया अभी, और इतना हवा भर रहा है। अभी तो कुछ नहीं है, रात को तो बहुत ज़्यादा हवा बहता है अभी, और देखिए अपना स्विमिंग पूल बहुत ज़्यादा भर गया अभी। चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ नज़दीक से कि अपना स्विमिंग पूल कितना भर गया, इसमें पानी भरने का ज़रूरत नहीं है। देखिए फ्रेंड, अपना घास भी कट गया कल बारिश के टाइम पर, और ये अपना स्विमिंग पूल पूरा देखिए एकदम नीला हो गया पूरा, इतना पानी भर गया ना, क्या बता। देखिए इतना ठंडी ठंडी हवा भर रहा है ना, रात को इतना ठंडी लगता है ना, क्या बताएं। पेड़ सब भी थोड़ा थोड़ा कट गया है, ये देखिए पूरा घास एकदम काट दिया है, पूरा इतना अच्छी तरह से काटा है, पूरा टकाटक कर दिया अभी अपना बंगलों का चारों तरफ। ये सब ध्यान देना पड़ता है, नहीं ध्यान देगा तो सेठ बोलते हैं हम लोग का कंपनी, क्योंकि वो लोग जो इधर नहीं रहते ना लोनावाला, वो लोग रहते हैं सब बॉम्बे में जाके, तो वहीं से कैमरे में देखते रहता है यहाँ पे क्या करते क्या नहीं हम लोग, तो वो सब ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा काम है ना, करना ही पड़ता है, क्या करें, काम जो दिया हो तो करना ही पड़ेगा। अपना स्कूटी इधर खड़ा है, और दो चेयर भी लगा हुआ इधर, ठीक है? तो गाइस, मेरा भैया तो चल गया मॉर्निंग में 6:30 बजे में, उसको लोनावाला में स्टेशन पे छोड़ दिया मैं वहाँ पे, फिर वहाँ से गया कल्याण, कल्याण से अपना बुधवार का ट्रेन रहता है आसनसोल सुपर फास्ट, तो बोला गाड़ी में वो आया था इसके लिए यहाँ पे, ताकि कुछ अच्छा काम मिल सके तो उसके लायक तो यहाँ पे हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं गाइस, तो इसके लिए वो अभी घर पे गया, अपना जो काम है बाल बुल काटने का, वही सैलून करेगा, गाँव में भी अच्छा रहेगा, और ज़्यादा बाहर निकलने से भी अच्छा नहीं रहेगा ज़्यादा एज होने के बाद। तो मैं इधर जिधर काम करता ना, मेरा गौतम भैया डेला में काम पे लगाया हूँ, तो वहाँ पे उसको काम जम गया है, क्योंकि अभी पुराना हो गया तो जम गया, नया आदमी आएगा तो नहीं जमेगा, इतना कड़क ड्यूटी है ना, क्या बताएं। तो वहाँ पे सैलरी भी अच्छा खासा अपना, वहाँ पे काम करने के बाद मंथली में 4 छुट्टी है, उसके बाद 15,000 सैलरी है। अगर किसी को भी काम करना हो डेला में लोनावाला में, तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है? मैं इसमें कॉन्टैक्ट नंबर डाल देगा इसमें, ये ब्लॉग के माध्यम से आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको जो भी आप लोग को काम चाहिए यहाँ पे डेला वाला में और इधर लोना वाला में, तो आप लोग को मिलेगा, ठीक है? तो आज का दिन इतना ही, तो मिलते हैं आप लोग को इवनिंग में रात के टाइम पे, कि खाने में क्या बनता वो भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए बोलने करने में जो भी, क्योंकि मेरा ये ब्लॉग कभी कल मेरा मिस्टेक होता है बोलने करने में, तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं रात को खाने के टाइम पे, जब खाना कुछ बनेगा तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि आज का खाना क्या बनता है। खुल जा सिम सिम, देखिए आज का सेटअप, किचन रह गया ऊपर, आज किचन बन गया नीचे।
चलो मस्त बैठ के खाना बना रहा है, रोटी बना रहा है, एक तो रोटी एक बेल रहा है, एक रोटी बैठ कर सेक रहा है अभी। कंफर्टेबल फील? हाँ बेटर फील फील ना, टांग पसार के देखो, देखिए कितना अच्छा है, लोग मजे से बना रहे हैं बैठ के, उधर से अच्छा ही हुआ अभी नीचे बैठ के बना के। क्या बनेगा खाने में आज बता दो पब्लिक को, 350 आदमी देखेगा, बताओ। तड़का रोटी। क्या तड़का रोटी? क्या दाल फ्राई रोटी? कौन सा दाल? मसूर दाल आखा। इधर देख के बोलो कौन सा दाल? दाल देखिए कैसे बेल रहा है, बेलने का तरीका देखो इसका। इसका बीबी अगर वीडियो देख रहा होगा तो बहुत अच्छी बात रहेगा। हम बीबी को तो बना के खिलाते हैं, घर जाते हैं रोटी हम बेलते हैं। और क्या बना के खिलाते हैं? रोटी दाल फ्राई तड़का और सब भुजिया और आलू सोयाबीन का सब्जी और पनीर हुँ. पनीर भुजिया पनीर मसाला देखिए ये अपना लाइफ स्टाइल है ब्लॉगिंग फॉर्म हाउस का। गेस्ट में रहने के बाद हम लोग ऐसे ही मौज मस्ती से खाना वाना बनाते हैं और खाते हैं। तो गाइस आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल और वीडियो के साथ में, मैं यहीं पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, और कल मिलते हैं मॉर्निंग और नई वीडियो के साथ में। चल बाय बाय कर दे। बाय 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 कर दो दया। बाय बाय।